Good morning, sir. First of all, what are the chances? The chances to be there. The church of the earth has been formed out of 7 million and some minor place. These are called Catholic place. See, the Catholic place जो है वो जो है वो प्रेसिंग के चर्च से मिल जो है जिसमें सात बड़े और कुछ छोटे प्लेस होते हैं उससे कैथोलिक प्लेस का निर्माण होता है. Which continent of today were part of the Gondwana land? नीचे मतलब आज का कौन सा कॉन्टिनेंट जो है आगे में जो कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था. साउथ अमेरिका, पार्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इंक्लूडिंग मोरक्को, पार्ट ऑफ एशिया इंडिया अरेबिया मलाया ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका का भी है पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड. ठीक है, साउथ अमेरिका अफ्रीका भी कुछ हिस्से जिसमें आप साउथ अफ्रीका जिसमें आपको ये मोरक्को भी इंक्लूड है और पार्ट ऑफ एशिया आपका इंडिया का एरिया और मलेशिया या मलेशिया होगा आप भी जगह मलेशिया. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये कुछ कॉन्टिनेंट जो है गोंडवाना लैंड के हिसाब से करते हैं. और इधर भाबर, देखिए भाबर क्या होता है. द भाबर इज दैट नैरो बेल्ट ऑफ द प्लेन विच इज कवर्ड विद पेबल्स एंड लर्स अलोंग द फुटहिल्स ऑफ द स्वाइप फ्रॉम द इंडस टू द तीस्ता. देखिए भाबर क्या है, प्लेन का एक नैरो बेल्ट है जो आपको कैंकर से पूरा ढका हुआ है और यह आपको सियोनिक के तराई में के किनारे में स्थित है जो कि आपको इंडस लेकर दिशा गए हैं जिसको भाबर कहते हैं. मेजर द नेम द थ्री मेजर डिविजन ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. लेकिन हिमालय के तीन बड़े डिविजन का नाम लिखना है जो नॉर्थ टू साउथ तक फैला हुआ है. यहाँ फ्लाइंग थ्री मेजर डिविजन ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द ग्रेट और इंडियन हिमालय इट इज अ कंटिन्यूअस कंसिस्टिंग ऑफ फाइव पीक्स. ग्रेट हिमालय जो है वो सबसे बड़ा पर्वत माला इसी होता है जो हिमालय सबसे उसी प्रति होती है. हिमाचल और लेजर हिमालय उसके बाद आता है हिमाचल और लेजर हिमालय जो आपको हिमाचल के साउथ में स्थित है. और मैं बात बताना भूल गया इना हिमालय या ग्रेट हिमालय को हिमाचल के नाम से जाना जाता है. तो मैंने बताया कि हिमालय के साउथ में जो पर्वतमाला है स्थित होती है उसे हिमाचल या लेजर हिमालय भी कहते हैं. शिवालिक द ऑटो मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय हिमालय का जो ऑटो मोस्ट रेंज होता है उसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है. दिस प्लेस इज लाइन बिटवीन द अरावली एंड विंध्यास रेंज. अरावली और विंध्यास रेंज के बीच में कौन सा प्लेटी स्थित है, तो मलवा प्लेटी जो है वो आपको अरावली और विंध्यास रेंज के बीच में स्थित है. नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया रेंज कोरल आइलैंड. देखिए उस भारत के आइलैंड का नाम बताना है इसके पास कोरल आइलैंड होता है तो लक्षद्वीप आइलैंड के पास कोरल आइलैंड होता है. राइट द मेजर जियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया. देखिए भारत के कुछ बड़े जियोग्राफिक डिवीजन के नाम लिखना है तो यहाँ पर मैंने लिखा है दे आर फ्लाइंग द मेजर जियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया द हिमालय माउंटेन द नॉर्दर्न प्लेन द पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडिया रिजर्व द कोस्टल प्लेन एंड द लैंड. ये छह जो जियोग्राफिक डिवीजन है वही आपको भारत के मेजर डिवीजन मेजर जियोग्राफिक डिवीजन है जैसे आपका हिमालय माउंटेन नॉर्दर्न प्लेन पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडिया रिजर्व द कोस्टल प्लेन एंड द लैंड. भारत जो है इन छह जियोग्राफिक डिवीजन में बढ़ा हुआ है. ओके, थैंक यू.